सारे प्रकार की झूठी शिक्षाओं के विरुद्ध में उन्होंने किताब लिखी और उस किताब का नाम है अगेंस्ट हेरेसी। मेरे पास इसकी एक कॉपी भी है। उसमें वो लिखते हैं इसी तरह हम चर्च में कई भाइयों को भी सुनते हैं जो भविष्यवाणी के दान रखते हैं और जो आत्मा के माध्यम से सभी प्रकार की अन्य भाषाएं बोलते हैं और सामान्य लाभ के लिए मनुष्यों की छिपी हुई बातों को प्रकाश में लाते हैं और परमेश्वर के रहस्यों की घोषणा करते हैं जिन्हें प्रेरित भी आध्यात्मिक समझते हैं। ओके, यहां पे रुक जाते हैं। इस व्यक्ति ने कहा, इरेनियस के बारे में कहा कि यह वो व्यक्ति है जो समझता था कि उन दिनों में लोग जो हैं ऐसे भाइयों की जिक्र कर रहा है जो भविष्यवाणी करते हैं, भविष्यवाणी का ध्यान रखते हैं और जो आत्मा के माध्यम से सभी प्रकार की अन्य भाषा बोलते हैं। आत्मा के माध्यम से सभी प्रकार की अन्य भाषा, सभी प्रकार की अन्य भाषा। तो डॉक्टर शिबू थॉमस, यही तो बाइबल भी सिखाती है कि अन्य भाषा एक नहीं है। जिसको कहते हैं कि अन्य भाषा का जो दान है वो प्लूरल फॉर्म में है, नॉट सिंगुलर। पृथ्वी पे, बहुत ध्यान से सुना डॉक्टर शिबू थॉमस, तुमको जो पढ़ाई मिली है ना वो बकवास की मिली है, अब इसको सुन लो ठीक है। और तुम्हारे जितने फॉलोअर्स हैं उनको भी कहता तुम भी सुन लो। उन दिनों में पेंतेकोस्ट का दिन हो, एक्ट चैप्टर 10 हो, एक्ट चैप्टर 19 हो, पहला कुरिन्थियों 12, 13, 14, ये तीनों चैप्टर हो, मार्क चैप्टर 16 व 17 हो, इन सभी जगहों पे अन्य भाषा यानी कि ग्लोसा स्ट्रॉन्ग से 1100, इसका मकसद था सुसमाचार फैलाना। और सुसमाचार फैलाने के लिए भाषा की जरूरत थी और उस भाषा में परमेश्वर उन दिनों में, क्योंकि पौलुस ने लेटर्स नहीं लिखे थे, बाकी कलीसियाओं में इन तरह की किताबें जो आज हमारे पास में वो नहीं थी, तो परमेश्वर जिसको जो लोकल लैंग्वेज है मदर टंग उसमें और जो दूसरों की भाषा है उसमें उन लोगों को प्रकाशन के रूप में अपना वचन प्रचार करवाता था, जिसको कहते हैं भविष्यवाणी, फोर्थ टेलिंग, प्रोफेटोस, ये होता था। और उसमें होती थी तीन बातें, बहुत ध्यान से सुनना। एक, जो बोल रहा है वो खुद समझता था कि वो क्या बोल रहा है, वो चाहे पत्रस हो, कॉर्नेलियस हो या फिर उसके बाद के जितने भी लोग बात करते थे वो हो। जब कुरिन्थियों की कलीसिया, जो अन्य जातियों की कलीसिया है, जब वो आई तो वहां पर ये दिक्कत होती थी कि वहां बहुत लोग ये प्रैक्टिस करते थे कि हमको भी ये दान चाहिए, हम भी बोलेंगे, और उनको ये दान मिला हुआ होता था तो वो जिसको गॉस्पल सुना देते थे वो तो सुनकर चला जाता था, लेकिन ये उसी भाषा को चर्च में बोलते रहते थे और बड़ी तादाद में बोलते थे। तब जाकर पौलुस ने कहा पहला कुरिन्थियों 14 का 27 और 28 में कि सब एक साथ नहीं बोलेंगे। तो बाकी जितने बोलते थे ना फ्रॉम डेट पेंटिकॉस्ट टू कुरिन्थ की कलीसिया तक में, जो बोलता था वो समझता था नंबर टू, जो सुनता था वो समझता था नंबर थ्री, पृथ्वी के किसी भी कोने में वो भाषा बोली जाती थी। तो वापस कह दूं तीन बातें, एक, जो बोलता है वो समझता है, दूसरा, जो सुनता है वो समझता है, और तीसरा, दोनों को कंफर्म करने के लिए वो भाषा पृथ्वी के किसी ना किसी कोने में होती थी। ऐसी कोई भाषा नहीं है जिसको पौलुस बोल चुका है फर्स्ट कुरिन्थियन चैप्टर 14 वर्स 10 में कि पृथ्वी पर कितनी ही भाषाएं क्यों ना वो बिना अर्थ की नहीं होती। इसका मतलब ये है कि भाषाएं जिसको भी मिलती थी वो पृथ्वी के किसी ना किसी कोने में एग्जिस्ट करती थी, वो उस वक्त में वर्तमान में थी। यही तो आपका इरेनियस कह रहा है, यही तो तुम भी कह रहे हो। लिखा है कि आत्मा के माध्यम से सब प्रकार की अन्य भाषा बोलते हैं, तो आपने ना पहले पार्ट में, ना अभी के पार्ट में, ना पीछे के पार्ट में, आपने कभी नहीं कहा, ये कुत्ता फिर भौंक रहा है ना, ये कुत्ते बहुत भौंकते हैं, नहीं या इनको चुप कराना चाहिए, जाओ देखो, क्योंकि आने वाले दिनों में तुम्ही को इन कुत्तों को शांत करना है। ये देखो
जहां पे हम शूट कर रहे हैं ऑफिस में, रात के 1:30 बज रहे हैं और यहां कुछ कुत्ते भौंक रहे हैं, और मेरा बेटा नथानियल जा रहा है उसको शांत कराने। ओके, समझदार को इशारा काफी है। ओके, वापस आते हैं। तो लिखा है कि सब प्रकार की अन्य भाषाएं बोलते हैं, और इसी को पौलुस ने कहा कि ऐसी कोई भाषा पृथ्वी पे नहीं। तो जितने पेंटिकॉस्टल कैरिस्मेटिक ग्रुप जो रबराबा शबा शबा लबा लबा बोलते हैं, आप लोगों ने बहुत बड़ा धोखा खा लिया है, और इस धोखे से जितनी जल्दी हो सके बाहर आ जाओ, क्योंकि जिस दिन यीशु आएगा, बहुत ध्यान से सुनना, जिस दिन यीशु आएगा आपकी मातृभाषा में वो आपको बुलाएगा। जब स्वर्ग दूत, एनीवे इसके ऊपर बहुत सारा बड़ा सब्जेक्ट है, जब परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी, परमेश्वर अपनी तुरी की आवाज को जब आप सुनोगे जो फूकेगा, उस वक्त जब आप ऊपर उठाए जा रहे होंगे, तो यीशु मसीह आपकी मातृभाषा में बात करेगा, जैसे पौलुस से उसने इब्रानी भाषा में बात की। ओके, मराठी है तो वो मराठी में बात करेगा आपसे, अगर मैं मातृभाषा तेलुगु है तो वो तेलुगु में बात करेगा, शिबू थॉमस तुम केरला वाले हो तो जो जितने केरला वाले हैं उनसे केरला में बात करेगा, पंजाबी वालों से पंजाबी। वैसे दुनिया में जितनी भी भाषाएं 6000+ उनकी भाषा में ही बात करेगा, अगर वो बादलों पर उठाए जाते हैं। रबा रबा शबा शबा रिकारा बिकारा सिकारा नहीं करेगा। उस दिन पता नहीं क्या होगा तुम लोगों का। तो जितनी जल्दी हो सके सुधर जाओ। ओके ना दोस्तों, इसने और कुछ कहा है, उसको भी सुनते, कि लाभ के लिए मनुष्यों की छिपी हुई बातों को प्रकाश में लाते हैं और परमेश्वर के रहस्यों की घोषणा करते हैं, जिन्हें प्रेरित भी आध्यात्मिक कहते हैं। आपको मैं भी बताता हूं, जो कि ये लाइन है वो, पहला कुरंथियो 14 अध्याय और वचन पढ़ते हैं 23 को, ठीक है ना, बहुत ध्यान से सुनना, वचन 23 को पढ़ रहा हूं। लिखा है कि यदि, 1 Corinthians 14:23, यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो और सब के सब अन्य भाषाएं बोले और बाहर वाले या अविश्वासी लोग भीतर आ जाएं, तो क्या वे तुम्हें पागल ना कहेंगे? तो ये जो यूहन्ना का चेला है इरेनियम या इरेनियस, माफ करना, ठीक है, तो पौलुस का ये जो स्टेटमेंट है शिबू थॉमस, इसका क्या करें? अभी सुनिए, वापस पढ़ रहा हूं फिर आगे जाऊंगा। यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो, सबके सब अन्य भाषा बोले और बाहर वाले अविश्वासी लोग भीतर आ जाएं, तो क्या वो तुम्हें पागल ना कहेंगे? परंतु यदि सब भविष्यवाणी करने लगे और कोई अविश्वासी या बाहर वाला भीतर आ जाए तो सब उसे दोषी ठहरा देंगे और परख लेंगे कि यह आदमी पापी है, और उसके, अभी सुनो, और उसके मन के भेद प्रकट हो जाएंगे, और तब सब मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करेंगे और मान लेंगे कि परमेश्वर सचमुच तुम्हारे बीच में है, नहीं तो तुम्हें लोग पागल कहेंगे। तो डॉक्टर शिबू थॉमस इरेनियस जो है, क्या यह इस बात को नहीं जानता था या तुम नहीं जानते थे? अब आप देखिए कि इसने क्या कहा है, वापस थोड़ा सा पीछे जाके सुनाते हैं, सुनिए, और परमेश्वर के रहस्यों की घोषणा करते हैं, जिन्हें प्रेरित भी आध्यात्मिक समझते हैं। तो फिर ये क्या था? अभी जो मैंने पढ़ा, जो प्रोफेसी होती थी, फोर्थ टेलिंग, पाप का प्रचार, क्योंकि पवित्र आत्मा, ध्यान से सुनो, यूहन्ना की किताब उसका 16 अध्याय वचन 8 और 9, यीशु पवित्र आत्मा को पृथ्वी पर भेजेगा लोगों को कन्विक्ट करने के लिए। प्रोसिक्यूटर है पवित्र आत्मा, सरकारी वकील, प्रोसिक्यूटर। तो पवित्र आत्मा नीचे आएगा, पापों के प्रति लोगों को निरुत्तर करेगा, धार्मिकता और न्याय के प्रति, क्योंकि वचन 9 कहता है कि संसार का सरदार दोषी ठहराया जाएगा या ठहराया गया है।
तो ये सब इसलिए होता है क्योंकि पवित्र आत्मा का काम ही है लोगों को पापों के प्रति बाहर लाना, पापों से बाहर लाना, पापों के प्रति लोगों को जागरूक करना, कन्विक्ट करना। और आपने क्या लिखा है, मनुष्यों की छिपी हुई बातों को प्रकाश में लाते हैं, परमेश्वर के रहस्यों की घोषणा करते हैं। तो मेरा प्रश्न यह है कि यहां पे रहस्यों की घोषणा कहां पर है? और आपका अगर इरेनियस गलत सिखा रहा है तो हमको नहीं चाहिए तुम्हारा इरेनियस, रखो अपने पास में। हमको पौलुस और पौलुस की शिक्षा और पौलुस का तरीका वो काफी है। बाद में उसके इरेनियस क्यों, बाकी और भी तो थे ना। अगर ये दूसरी तीसरी सदी में था या पहली सदी में था तो फिर वो छठवीं सदी, सातवीं सदी, आठवीं सदी, दसवीं सदी के लोग कहां हैं? हम तो उनको भी तवज्जो देंगे, और उन्होंने तो अपने अपने तरीके से और भी कुछ कुछ सिखाया होगा। सब अपने अपने जगह पे ना, तो तुम अरेनियस को लेके क्यों नाच रहे हो? क्योंकि तुमको इसकी जो लाइन है उसको करना है। और अभी दूसरा सुनिए, आपने कहा सब प्रकार की अन्य अन्य भाषा या सब प्रकार की अन्य भाषा, तो कौन सी अन्य भाषा डॉक्टर शिबू थॉमस? तुमको डे वन से पूछ रहा हूं, अगर ताकत है तो क्लियरली बताओ कि यह पवित्र आत्मा का अन्य भाषा यानी कि ग्लोसा, ठीक है ना? और अगर तुम ऐसा बोल दिए ना कि यह पवित्र आत्मा का अन्य भाषा, तुम तो बुरा फंसोगे, क्योंकि मैं चाहूंगा कि मैं तो पूछूंगा लेकिन तुम्हारे खुद की पब्लिक भी मैं चाहूं तुमको पूछे और पूरी मसीह समाज तुमको पूछे कि अगर ये ग्लोसा है तो फिर ग्लोसा का तो इंटरप्रेट होता ही है, ग्लोसा का अनुवाद तो होता ही है, तो तुमने कैसे फिर ग्लोसा बोलोगे? तो तुम्हारी वो मुसीबत है। दूसरा, अगर तुमने उसको कहा कि ये जिब्रिश है, रबा रबा शबा शबा, जिसको कोई नहीं समझता, तो भी फंसोगे, क्योंकि ऐसी भाषा तो बाइबल में है ही नहीं। तो यहां भी फंसोगे, यहां पे भी फंसोगे। तो इसलिए अपने स्टेटमेंट को ठीक करो और सबको बताओ कि ये है क्या, इरेनियस कौन सी अन्य भाषा की बात कर रहा है? क्योंकि मैंने आपको अभी पोस्टर दिखाया, एक तरफ है जिब्रिश और दूसरी तरफ है पवित्र आत्मा का अन्य भाषा यानी कि ग्लोसा। मैं बिल्कुल साफ साफ बात करता हूं, तुम्हारी तरह पर्दे के पीछे नहीं रखता हूं डॉक्टर शिबू थॉमस। एक साथ सब बोल रहे हैं पागल बोलेंगे, लेकिन जो प्रोफेसी करेगा, वचन का प्रचार करेगा, पाप क्षमा हो जाए, पाप उजागर होगा। आगे थोड़ा सुनते हैं।